नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे किसके चश्मे ने देखा गरीबी रेखा। देश भर में महंगाई पर मचे सियासी घमासान के बीच नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें नीति आयोग का दावा है कि उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी में 8% तक कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से उबर गए हैं। वहीं देश में ये आंकड़ा करीब 13.50 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्ष 2015-16 और 19-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को आधार बनाया गया है। इसके अनुसार इन 5 साल के दौरान राज्य की बहुआयामी गरीबी में 8% की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 में राज्य में रहने वाले बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों का प्रतिशत कुल 17.67 था, जो कि वर्ष 2019-21 तक गिरकर महज 9.6 रह गया है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य में इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस रिपोर्ट का स्वागत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को उसके पीछे बड़ी वजह बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि धरातल पर स्थिति काफी विकट है। मोदी सरकार के आने के बाद से लोगों की आर्थिक स्थिति और खराब हुई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में महंगाई पर मचे सियासी संग्राम के बीच नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में नीति आयोग का दावा है कि उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी में 8% तक कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 8 लाख से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। वहीं देश में ये आंकड़ा 13.50 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्ष 2015-16 और 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को आधार बनाया गया है। इसके अनुसार इन 5 साल के दौरान राज्य की बहुआयामी गरीबी में 8% की गिरावट आई। वर्ष 2015-16 में राज्य में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों का प्रतिशत कुल 17.67 था, जो कि वर्ष 2019-21 तक गिरकर महज 9.6 रह गया है। वहीं आम जनता की इस रिपोर्ट में मिली जुली राय देखने को मिल रही है। जो लोगों का रहन सहन तौर तरीका, लोगों का जो खान पान और लोगों के पहले जो आने जाने की व्यवस्थाएं थी, आज हर घर में हर आदमी के पास गाड़ियां हैं। लोगों के पास हाँ गाय भैंस नहीं है, पर गाड़ियां जरूर लोगों के घरों में पड़ी है और आने जाने की सुविधाएं, व्यवसाय के लिए दौड़ भाग करने के लिए काफ़ी समय की बचत और ये चीज़ें इससे, और सड़कें जो हैं घर घर तक पहुँचती हैं, तो इससे काफ़ी फायदा हुआ है जनता को। महंगाई आप अपने चरम सीमा पर है, बेरोजगारी 45 साल में रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, पेट्रोल पिछले 75 साल में इतना नहीं हुआ जितना आज महंगा है, रुपए के मुकाबले डॉलर सबसे ज़्यादा अपना न्यूनतम रेखा पार कर चुका है और लोगों के अंदर निराशा है, चारों तरफ लोग परेशान हैं, हायतौबा मची हुई है कि कैसे इस महंगाई से बाहर निकले, फिर भी सरकार ऐसे झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, तो ये एक सफ़ेद कोरा झूठ है जो जनता के बीच में परोसा जा रहा है। हम इससे, जनता इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। सिलेंडर महंगा है, बच्चे रोजगार है, कभी धरने में बैठे कभी कुछ करे, डंडल है कि जब सड़कों में उतर रहे क्या मिल रहा है उनको, कुछ मिला? अब जनता को बेवकूफ़ बना रहे, सरकार बोल रही है सब कुछ हो गया पर कुछ नहीं हुआ, फिर विरोधी होंगे, फिर
धरनाचारी होगी, फिर लाठीचारी होगी, इनके चक्कर से ये होगा। ये चाह रहे हैं फिर जाओ, फिर गैर सैन के चक्कर से फिर हो जाएगा इनके साथ। नीति आयोग की रिपोर्ट में अल्मोड़ा की स्थिति काफी बेहतर बताई गई है। वहीं नीति आयोग की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य में इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस रिपोर्ट का स्वागत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को इसके पीछे बड़ी वजह बताया है। बीजेपी का कहना है कि आयुष्मान योजना 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज समेत तमाम योजनाओं से आम जनता को इसका लाभ मिला है और आम जनता के जीवन में सुधार हुआ है। वहीं विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि धरातल पर स्थिति काफी विकट है, मोदी सरकार के आने के बाद से लोगों की आर्थिक स्थिति और खराब हुई है। देखिए, ये मेरा मानना है कि लोगों की जो आय है वो बड़ी है निश्चित तौर पर, और हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों चाहे वो राज्य सरकार की हों, उन योजनाओं से जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसको उन योजनाओं से जो लाभ मिला है, मुझे लगता है उससे जो है लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए हैं। आप आयुष्मान योजना देख लीजिए, अगर आयुष्मान योजना नहीं होती तो आदमी को कहीं ना कहीं तो पैसा खर्च करना ही था इलाज के लिए, 5 लाख तक का जो है वो पैसा देना पड़ता, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनका वो जो बचत हुई है, तो इसलिए लोग काफ़ी संख्या में जो है हमारी जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वो सही रिपोर्ट है और लोग इतने अमीरी रेखा की तरफ आए हैं। तो ग्रामीण रोजगार की गारंटी देती थी मनरेगा, आपने उसके बजट में 40% की कटौती कर दी। जिला प्लान के बजट में जो है आपने 25% की कटौती कर दी। जो है रोजगार है नहीं, लोग पलायन के लिए लगातार मजबूर हो रहे हैं, महंगाई ने जो है कोड़ में खाज का काम कर रखा है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, लोगों का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो रखा है और सरकार कह रही है कि 8 लाख लोग जो है गरीबी रेखा से हमने ऊपर उठा दिए। कौन उठाए भाई, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पो बाहर है, उन्हीं की गरीबी दूर हुई होगी, उन्हीं को रोजगार मिला होगा, वही मजे में है। शायद इसी को सरकार समझ रही कि हमने जो है लोगों की गरीबी दूर कर दी। आम आदमी तो परेशान था, परेशान है और इस सरकार से पीछा छुड़ाना चाहता है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो जनता परेशान है महंगाई से बेरोजगारी से, उसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड को लेकर के इसका कहना है कि 8,15,247 लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए, ये अपने आप में बड़ा विचित्र आंकड़ा है। सबसे पहले तो फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा गरीबी रेखा के आंकड़े जारी करना अपने आप में हास्यास्पद है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2.5 लाख घरों में ताले लग चुके हैं उत्तराखंड में और 3,000 गांव खाली हो चुके हैं, और ऐसे में ये आंकड़े अब बताना, और वो भी कब की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर ये आंकड़े उठाना। 2017 के एक और सर्वे के अनुसार 6 लाख लोग कुल गरीबी रेखा से नीचे थे, तो अब ये 8,15,247 लोग कहां से आ गए जो बाहर हो गए। और मजेदार बात यह है कि जनगणना के आंकड़े वही हैं 2011 के अनुसार। तो उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड की जनता के साथ इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके का ढोल पीटना बंद होना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि 2.5 लाख 1.5 लाख प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड में है, अब किसकी आय है ये 1.5 लाख प्रति व्यक्ति आय, ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक व्यक्ति। कुल मिलाकर नीति आयोग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है, पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। वहीं पिछले दिनों आदि कैलाश के दर्शन को आए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों के जीवन में बदलावों को प्रमुखता से साझा किया था। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट ने पीएम मोदी की इस बात को सही साबित कर दिया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और आपको बता दें कि फिलहाल ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष काफी ज्यादा अपने पेट थपथपाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन पिरशाली जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से आशीष नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से राजेश बिश जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूकेडी से पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत में नवीन पिरशाली जी आपसे ही करना चाहूंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिये ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से सत्ता पक्ष काफी खुश नजर आ रहा है, लेकिन इस नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी कई सवाल विपक्षी दल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन इस पर? अगर गरीबी को देखा जाए तो गरीबी हर एंगल से एक अभिशाप होती है, लेकिन दुर्भाग्य से जो पिछली सरकारें रही उन्होंने गरीबों को एक वोट बैंक के तौर पर देखा और उनके लिए कुछ काम नहीं किया। पिछले 8-9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों और वंचितों का दर्द समझते हुए उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, और जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना आप कह सकते हैं, आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री निधि योजना है, बहुत सारी योजनाएं चलाकर उन गरीबों को उस अभिशाप से उबारने का काम भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने कहा है। और आज नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो अपने आप में एक सर्टिफिकेट है उत्तराखंड सरकार के लिए भी कि उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली जनहित वाली है, उत्तराखंड की सरकार सही दिशा में काम कर रही है, उत्तराखंड की सरकार केंद्र सरकार की सभी नीतियों को जनहित में यहाँ पर क्रियान्वयन कर रही है। और विपक्ष का जहां तक सवाल है उनको रस्म अदायगी करनी पड़ेगी, उनके पास उसके अलावा आलोचना के अलावा कुछ रह भी नहीं गया है। तो सरकार काम कर रही है और नीति आयोग का जो रिजल्ट आया है, जो सर्टिफिकेट हमें मिला है, उससे हम बहुत उत्साहित हैं और भी इससे एक उत्साह जनहित का काम करने के लिए सरकार को मिला है और जनता पार्टी को भी, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ठीक है आशीष नौटियाल जी, नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई है, अब तो 8 लाख गरीब जो है वो अब अमीर हो गए हैं, और आप कह रहे हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट को क्या कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर बात में अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। आप देखिए मैडम, कैसे हमने तो बेरोजगारी देखी है, हमें तो चारों तरफ बेरोजगार बेरोजगार लोग मिलते हैं, हर आदमी हमें बेरोजगार मिलता है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का स्तर इतना ऊपर आ गया कि उन्हें अब बेरोजगार दिखते ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो सब रोजगार में हैं, इन लोगों को सबको रोजगार मिल गया, इनके कार्यकर्ताओं को रोजगार मिल गया, कुछ नहीं तो धामी के बोर्ड लगाने का भी कईयों को ठेका मिल गया होगा, इस तरह के ये लोग तो रोजगार कर रहे हैं, पर आम जनता बेरोजगार है। हमने ऐसे ऐसे व्यापार बंद होते देखे हैं मैडम, आप ऐसी रिपोर्ट निकाले कि कितने लोग कर्जदार बने, कितने लोगों ने कर्जा लिया। अभी मैं अभी डिबेट में ही आपके माध्यम से देख रहा था कि लोग अपने कारें लोगों ने खरीदी, अपनी गाड़ियां खरीदी, तो कर्ज लेके तो कोई कुछ भी खरीद सकता है, कर्ज में क्यों आपका कोई वो नहीं है। आप देखिए कितने लाख लोग कर्जदार बन गए, और क्या अमीर ऐसे बनते हैं कि आपने आयुष्मान योजना दे दी तो अमीर बन गए? क्या अमीर इसी से बनता है? हर घर बेरोजगार है, हर घर से मोदी कहा था आपने, हर घर बेरोजगार, हर घर में बेरोजगार बच्चे हैं जो परेशान हैं, और उनको सरकार नए तरीके अपनाती है कि चलो बेरोजगार हैं तो कम से कम घर के अंदर शराब रखना शुरू करो और शराब पी के दर्द को भूल जाओ, इस तरीके काम करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैडम आज की डेट में हमने व्यापार खुलते देखे हैं, लोगों को दुकानें खोलते देखा है, उन्हीं लोगों को बेचारों को जो उन्होंने जमा पूंजी करके या सरकार से लोन लेके एक दुकान खोलने का प्रयास किया, व्यापार खोलने का प्रयास किया, उन दुकानों को बंद होते हुए देखा है कि वो अपने किराए भी नहीं निकाल पाए, जगह ली 4-6 महीने बाद उस पैसे को खत्म करा, और जिस आदमी के पास 1-2 लाख बचा था वो भी वहां डूब गया किराए में, और उस बेचारे के पास इतना भी नहीं है कि अब क्या करें, उसने दुकान में ताले लगा दिए। हम रोज ये देखते हैं, नई नई दुकानें खुलते देखते हैं, बड़ा दुख होता है कि वो जो दुकानें खुल रही होती है हमें पता होता है कि यहाँ का इतिहास क्या है, कितनी दुकानें हमने बंद होते देखी है, व्यापार बंद होते देखा है। नौटियाल जी जो बात कह रहे हैं कि मेरे को हर व्यक्ति बेरोजगार मिल रहा है, बात सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सब बेरोजगार हैं, बहुत सालों से सत्ता से बाहर हैं, तो इनको बेरोजगारी बहुत ज्यादा छाई हुई है। और ये तो वो लोग हैं जो आज आप देख रहे हैं आज के माहौल में इनका क्या काम है, ये देश के साथ नहीं है, देश की विपरीत धारा के साथ चल रहे हैं आज ये कांग्रेस के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी है जो भारत के मुसलमानों को आप फिलिस्तीन तक जोड़ने को तैयार है, भारत के मुसलमानों को आप फिलिस्तीन तक जोड़ रहे हैं, और देश के अंदर यहाँ के हिंदुओं को आप जाति में तोड़ रहे हैं। तो आपकी तो नीति है विघटनकारी नीति है, कांग्रेस विघटित हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ कि नीति आयोग की रिपोर्ट
अपने आप में एक सर्टिफिकेट है उत्तराखंड सरकार के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार जनहित के कार्य कर रही है और उसका सर्टिफिकेट आया है और यहाँ पर बेरोजगार जो गरीबी है उन्मूलन हुई है और गरीबी राजेश भाई जी ठीक है नवीन प्रशाले जी ठीक है रुकेगा आप राजेश भाई जी राजेश भाई जी नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई है 8 लाख लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं तो कैसे गरीब और गरीब हो रहा है अमीर और अमीर हो रहा है क्योंकि विपक्ष तो लगातार यही आरोप लगाता रहा है अब नीति आयोग की रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं आप जी बेशक बीजेपी पार्टी इसमें अपना पीठ थपथपाने का काम कर रही है उन्हें खुश भी होना चाहिए क्योंकि उन्होंने पिछले 6 से 7 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया है जो जनता के हितों में अगर हित में काम किया तो इस केवल सर्टिफिकेट से आप अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे जमीन में दिख क्यों नहीं रहे वो काम आप गरीबों की बात करें आपने तमाम योजनाएं गिनाने की बात कही अभी आपने कहा आयुष्मान योजना चल रही है आप मैं और भी कुछ योजनाएं बताता हूं जो शायद इन्हें नहीं मालूम होगी गतियारी योजना चल रही है वृद्धा पेंशन चल रही है विधवा पेंशन चल रही है गौरा देवी कन्यादान योजना चल रही है अगर इतनी सारी योजनाओं को हमें अपने प्रदेश के अंदर लागू करना पड़ रहा है तो योजनाओं का लाभ ले कौन रहा है गरीब वर्ग ये लाभ ले रहा अगर हमारे गरीब व्यक्ति को आज भी ये लाभों की आवश्यकता पड़ रही है आज भी हमें इन संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है तो किस बात की गरीबी कम हुई है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं ये मान के चलता हूं कि जो भी रिपोर्ट नीति आयोग ने दी है क्या पहले इनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है कि नीति आयोग ने आखिरी बार रिपोर्ट कब दी थी हमारे प्रदेश की हमारे यहाँ पे गरीबी का क्या दर था पिछली बारी गरीबों की क्या संख्या थी ये आंकड़े किस तरीके से इन्होंने किन मानकों को इस्तेमाल करते हुए या किन मानकों को देखते हुए इन्होंने रिपोर्ट दी है ये हमारी समझ से बाहर है हम तो ये समझ के चलते हैं कि अगर आज भी अगर हमारा प्रदेश का युवा प्रदेश छोड़कर जा रहा है जिस प्रकार से पहाड़ की सुंदरता खत्म होते जा रही है और मैं देख रहा हूं और एक रिपोर्ट के सामने आई कि 6 सितंबर को जब ये नीति आयोग की रिपोर्ट को इतना सर्वमान्य मान रहे हैं और सुप्रीम मान रहे हैं तो इन्हें ये भी याद दिलाना चाहता हूं मार्च 2023 में सीएजी की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया था कि हमारे प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उसने अवैध खनन के माध्यम से 37 लाख मेट्रिक टन का हमारे प्रदेश को नुकसान पहुंचा और उसमें जो राजस्व 43 करोड़ प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए था वो प्रभावित हुआ उस रिपोर्ट को क्या ये मानते हैं अगर जिस प्रकार से नीति आयोग की रिपोर्ट को मान रहे हैं दूसरी 6 सितंबर की ताजा रिपोर्ट है जिसमें सीएजी ने कहा है कि इन्होंने 47,000 करोड़ की योजनाओं को पास कर दिया है लेकिन वो कैसे पास हुई कहाँ पास हुई किसी को नहीं मालूम तो ये जो बीते 7 साल के कार्यकाल के अंदर सीएजी की 2 रिपोर्टें क्या ये उसको मानते हैं अगर ये उसको मानते हैं तो ठीक है इनकी नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो भी इनके लिए मान्य जानी चाहिए तो मेरा ये कहना है कि गरीब इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित है मिडिल क्लास फैमिली इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित है 3.5 लाख लोग बीते 6 साल के अंदर हमारा प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं ये सवाल हम किससे करें जाके जिस प्रकार से 2018 से 2022 के बीच में 6,436 गांव खाली हो चुके ये सवाल हम किससे पूछें अगर गरीबी नहीं हट रही है या गरीब हटाने का काम आप कर रहे हैं पहले तो ये बताएं कि गरीबी हट या गरीब हटा जिसको आप गरीब का दर्जा दे रहे थे वो प्रदेश छोड़कर गया क्योंकि आमदनी के साधन नहीं है अगर हमने 10 लोगों को एक सर्वे में मान लिया कि 10 लोगों में से 10 के 10 गरीब है अगर वो 4 गरीब प्रदेश छोड़ के चले गए तो 6 बच्चे आप इसमें अपना पीठ थपथपाने का काम कर रहे हो सवाल है यार ये किस तरह की रिपोर्ट है आपकी आप अगर मानते हैं तो वो सारी चीजें मानिए कि आज भी अस्पताल के अंदर 23% से अल्ट्रासाउंड एक्सरे ब्लड टेस्ट नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है आप ये मान के चलिए कि आपने 3,000 स्कूल बंद किए तो किए हैं आप ये मान के चलिए जो बच्चे हुए स्कूल है उन्हें बंद करने की तैयारी में आप वो भी मानिए आप ये भी साथ में मानिए कि जिन स्कूलों में आज भी किताबें नहीं मिल रही यूनिफॉर्म नहीं मिल रही टीचर्स अवेलेबल नहीं है पीने का पानी नहीं है सड़क पर डामरीकरण नहीं है आप इसको भी मानिए ना अगर ये सारी चीजें एक व्यक्ति की मूलभूत मौलिक आवश्यकता है जब उसको नहीं मिलते तो आप गरीब राजेश जी बात कर रहे हैं नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 8 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए विपक्ष के पास महंगाई गरीबी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था अब नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद क्या विपक्षी दलों के पास मुद्दा नहीं रह गया है या विपक्ष इसे किसी और तरीके से बनाने की कोशिश करेगा हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पीसी थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट कैसे देख रहे हैं जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर बहुत ही गहराई से और शिद्दत से डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि
नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे है वो किस तरह से बेस बनता है गरीबी का, ये लगभग किसी के समझ में नहीं आ रहा है। पूरे उत्तराखंड में लोग नहीं समझ पा रहे हैं बुद्धिजीवी कि कौन सा फीता था उनके पास जिससे कि उन्होंने गरीबी नापी। 2000 जब से मोदी जी आए हमारे देश में जनगणना वगैरह कुछ गणनाएं नहीं होती, ना बेरोजगार कितने हैं क्या है, लेकिन ये जो फैमिली हेल्थ के माध्यम से हुआ है तो शायद मैं अपना आंकलन लगा रहा हूँ कि उत्तराखंड में अमीरी आई है। मैंने देखा है कि मेरे गांव में जितने भी लड़के बेरोजगार हैं उनको लगभग बिना खेती किए हुए 5000 रुपए किसान फंड से मिलता है, 5 से 6000, और इनको कुछ मनरेगा से मिलता है और थोड़ा बहुत बकरी उकरी पालकर वो लड़के, क्योंकि बाहर नहीं, पहले इधर आते थे नौकरी की ढूंढ में, अब नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हो। लेकिन मेरे क्षेत्र के जितने लोग भाजपा के पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं उनकी स्थिति एकदम से बदली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे धनी पार्टी है और इसने कोई हिसाब, जो पीएम केयर फंड है कहां से, अडानी का फंड आ रहा कहां से, इसका कोई हिसाब किताब नहीं देना है इनको। इन्होंने जो वो फंड आता है उसको भी बंद कर दिया है कि ये किसी भी आरटीआई इसमें काम नहीं करेगी, इनको नहीं बताते। तो इनके पास इतना धन है कि अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हमने देखा कि पीएमवाईजी में कितना बड़ा, 1000 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं होती मैडम। वो जो एक अधिकारी बिना टेंडर के आ गए, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं, मुख्यमंत्री का अनम्यूट कीजिएगा थपलियाल जी, हिसाब किताब कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे नेता और नेताओं की जो डकैती फौज है अरबपति और खरबपति बने हुए हैं, तो सचमुच वास्तव में कहीं ना कहीं हम गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं लगता है मुझे, क्योंकि रिचेस्ट संसाधनों में सबसे धनी प्रदेश है। इसलिए मेरा मानना है कि इसमें जो भी हुआ होगा भ्रष्टाचार के माध्यम से जो अर्निंग हुई है भारतीय जनता पार्टी की, पॉलिटिकल कार्यकर्ता कहाँ खा रहे हैं। मैक्सिमम लोग इस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हुए हैं और राजनीति हमारा मुख्य व्यवसाय बन चुकी है। तो इन तमाम सवालों को लेकर मेरा यह मानना है कि इनका जो एक, क्योंकि नीति आयोग ने फ्लूक में मारा हुआ, क्योंकि नेशनल हेल्थ कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो गरीबी रेखा को नाप सके, तो इन तमाम चीजों को लेकर मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ एक वो बनाया है, एजेंसी बनाई है, जो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बताना पड़ेगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्यों, कैसे क्राइटेरिया बन इस गरीबी की नापने का। ठीक है नवीन पुरशाली जी, मैं थपलियाल जी को देख रहा था और कई बार वो म्यूट अनम्यूट हो रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था कि पहाड़ के हमारे देवता कभी कभी आते हैं तो इसी रूप में आते हैं, मैं तो उनको नमन करता हूँ, हमारे बड़े हैं वैसे भी। और सवाल ये है कि थपलियाल जी पूछ रहे हैं कि नेशनल हेल्थ जो सर्वे है कैसे क्राइटेरिया बना। किसी भी घर में अगर कोई बीमारी होती है तो सबसे ज्यादा धन उसी में खर्च होता है, और वहां पर हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों की सहायता की, और बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं हमारे आसपास जिन्होंने उस कार्ड का लाभ लिया है। जब भी पैसा बचता है तो वो पैसा किसी अन्य काम में आता है और आदमी अपने जीवन को और सरल बनाने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए उस पैसे को खर्च करता है, बचत को खर्च करता है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हाई होता है। और ये इसी का प्रमाण है कि जो आज गरीबी रेखा से ऊपर 8 लाख से ज्यादा लोग उठे हैं वो सरकार की नीतियों का है। अब विपक्ष उसको मानने को तैयार नहीं है कि नहीं यहाँ पर गरीबी है। अब ये बार बार इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं तो हैं, अब क्या करें उसमें बताओ। नहीं नीति आयोग क्या करें, आपके पास नहीं है उसमें हमारा क्या है। लेकिन जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है मैं उसको कह रहा हूँ बार बार की ये अभी विपक्षी दल के कई नेता इस बात को कह रहे थे कि बहुत सारी रिपोर्ट आती है आप उन पर यकीन तो नहीं करते जो आपके विरोध में होती है, तो ऐसी रिपोर्ट्स पर फिर विपक्ष क्यों भरोसा करे। अभी
विपक्ष तय नहीं करेगा हम किस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हैं किस पर नहीं लेते हैं। सरकार उस पर कार्रवाई होती है। देखो सरकार इसमें लिबरल गवर्नमेंट है इस वक्त, कोई ऐसा तानाशाह सरकार यहाँ पर नहीं है। आप देखते हैं कोई भी सरकार जनहित में कदम उठाती है, अगर वो जनहित के उपयोगी नहीं होती, अगर जनता की आवाज आती है तो उसको हम रिवर्स भी करते हैं। तो इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट और क्या चाहते हैं आप? जनता के कामों को जनता के लिए, जनता के द्वार तक सरकार जा रही है और जनता के लिए काम कर रही है, और उसका नतीजा आपने पिछले चुनाव में देखा और आगे भी देखेंगे। सहमत है नवीन जी की बातों से? बिल्कुल, नवीन भाई ने बिल्कुल बताया कि तानाशाही सरकार नहीं है, इससे बड़ी तानाशाही आप क्या देखेंगे मैडम? आज आप विपक्ष के ऊपर सीबीआई ईडी सब बैठा देते हैं। आपने मनीष सिसोदिया जी को बेमतलब पे अंदर कराया, आपको सुप्रीम कोर्ट तो घोटाला करोगे तो अंदर जाएंगे। भाजपा ने थोड़ा किया है, भाजपा ने नहीं किया, जो काम करेंगे उनके खिलाफ एविडेंस मिले होंगे। न्यायिक प्रक्रिया का मामला है, न्यायिक प्रक्रिया का मामला है नौटियाल जी, वो न्यायिक प्रक्रिया पर आप सवाल नहीं उठा सकते, वो सवाल नहीं उठा सकते उस पर। आप अगर कोई सबूत होगा तभी तो होगा। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने आप बताइए? सुप्रीम कोर्ट मतलब भाजपा छोड़ रखी है? मनीष सिसोदिया जी की जमानत भारतीय जनता पार्टी पर डिपेंड नहीं करती है? मनीष सिसोदिया जी की जमानत भारतीय जनता पार्टी करेगी? मोदी जी जमानत पत्र पर साइन करेंगे? क्या मान रहे आप? आप भारत की न्यायपालिका को समझिए, ये न्यायपालिका का मैटर है, न्यायपालिका उसको देख रही है। ये मोदी जी के हाथ में उनको जमानत देना जेल में करना नहीं होता है। एजेंसी ने जांच की है, जांच में कुछ पाया होगा इसलिए हो रहा है। ये गलत बात है आपकी। जो बात अच्छी है कि इनके अलायंस में आप सब दल जो पार्टी के आपको गाली देते देते हैं। नवीन जी एक-एक करके प्लीज प्लीज प्लीज, मछली बाजार लगने लगता है, थोड़ा सा वेट करा करिए। नवीन जी आपको क्या लगता है? अभी अभी मैं ये डिबेट खत्म करने जा रही हूँ, क्या आपको मौका दूंगी आपकी बात करने का? इस तरीके से देखिए कोई फायदा नहीं है। आशीष नौटियाल जी गलत निर्णय ले, और आज आशीष जी की मुझे लग रहा है तबियत भी ठीक नहीं है। आशीष जी नहीं, मेरी तबियत पूरी ठीक है। उस अभी कुछ दिन पहले इन्होंने निर्णय लिया मैडम कि हम जो है हर घर में शराब पहुंचाएंगे, उसके बाद इन्होंने कहा अब नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि विपक्ष का इन पे ऐसा डंडा है, इनको असल में विपक्ष चला रहा है, इनके बस का नहीं सरकार चलाना। ये गलत निर्णय लेने वाली सरकार है। वो आपकी रैलियां बताती है, आप घोषणाएं करते हो रैली की, जनता नदारद रहती है। आपकी हिम्मत नहीं आज सड़क पर चलने के विपक्ष से, कांग्रेस की हिम्मत नहीं है सड़क पर चलने के लिए, एक कार्यकर्ता पीछे नहीं है। आपके रोज कार्यक्रम टीवी में बताते हैं और ग्राउंड में नदारद है। आप दिखाइए पिछले 15 दिन में कौन सी रैली की आपने? आप पिछले 15 दिन में आपने क्या किया दिखाइए, कोई फोटो आपके पास है? कहीं कोई रैली आपने निकाली थी पिछले एक महीने की? निकाल लो आप, एक महीने में बताइए आपने क्या किया जनता के हित के लिए, क्या काम किया उत्तराखंड में कोई रैली की? नवीन जी विपक्ष कुछ नहीं भी करेगा, विपक्ष अगर कुछ नहीं भी करेगा तो जनता उनसे हिसाब मांगने नहीं जाएगी। आपके पास कार्यकर्ता क्यों नहीं है? जनता कांग्रेस से नहीं पूछेगी, पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाबों के लिए आपको पहले ही मेंटल प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमें बोल देंगे कि हम धर्म विरोधी हैं, आप वो लोग हैं, आपसे अब कोई सवाल पूछता है तो आप डर जाते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी देखे रोजगार ढूंढने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, आओ आओ उत्तराखंड को ले जाओ। आप कितना लूटेंगे जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ यहाँ होगा तभी तो होगा। भारतीय जनता पार्टी और एवरेस्ट, अगर एक मुख्यमंत्री पहली बार विदेशों में जाकर अगर एमओयू साइन कर रहे हैं तो उत्तराखंड के हित के लिए कर रहे हैं, फिक्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आपकी सरकारों ने जो घोटाला किया है, जो प्रदेश को कंगाल किया है, उसकी भरपाई के लिए हम कर रहे हैं सब। आप भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। पास क्या मुद्दा है? अब नीति आयोग की रिपोर्ट भी उनके हाथ में है, वो तो आप कहेंगे कि बेरोजगारी है, वो चीख चीख कर दिखाएंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट है। इस कागज में तो कुछ भी लिखवा लो आप, ये कागज आपने बनाया हमने नहीं बनाया, ये कागज आप लिखवाते रहो, ये सब लिखवाओ कि 2024 चुनाव हुए। अगर नीति आयोग ये बता दे जी, बहस का कोई स्तर तो रखो राजेश जी, बहस का कहीं स्तर लेवल तो होगा ना, कोई आप डिबेट जो कर रहे हैं किसी स्तर पर किस तर्क पर करोगे? आप इस तरह से अनर्गल बातें कर रहे हैं। राजेश जी आप अपनी बात को पूरा करिए। आशीष जी वेट अ मिनट, आशीष जी मैं वापस आऊंगी आपके पास, रुकिएगा जरा। राजेश जी किस तरह देखो बेरोजगारी खत्म की, आभार रैली भी निकालने का काम करेंगे। ये वो लोग हैं जो खुद ही अपना आप ही गलत काम करते हैं, खुद ही आशीष नौटियाल जी रुक जाइए जरा, आशीष जी रुकेगा जरा, राजेश जी
जी आपका सवाल क्या था मैं सुन नहीं पाया, हमारे महानुभाव लोग कह रहे थे बहुत सारी बातें तो मेरे कानों तक जा नहीं पाई वो बात। हाँ राजेश जी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनके पास अब नीति आयोग की रिपोर्ट है, आप विपक्ष अगर चीख चीख कर कहेगा कि बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, तो वो कहेंगे हमारे पास नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसका जवाब है क्या विपक्ष के पास? यशी जी हमने चीखना बंद कर दिया है बिल्कुल। चीखने का फायदा तब है जब गुंगी बहरी सरकार उस बातों को सुने, समझे और उस पर सही तर्क दे। मैं एक तर्क अभी सुन रहा था कि अस्पतालों में लोग इलाज करवा रहे हैं तो गरीबी कम हुई है, ये पता नहीं कैसा जवाब है, ये मेरे को समझ से बाहर है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर 5 लाख रुपए तक की ये लोग बीमा दे रहे हैं आयुष्मान योजना के तहत दे रहे हैं तो क्यों हमारे लोगों को कर्जा लेके प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ रहा है? और एक बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि गरीबी कम हुई है, बिल्कुल कम हो रही है। आज से 9 साल पहले 50 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था, 100 रुपए लीटर खरीद रहे तो गरीबी कम हुई है। हम 400 रुपए का सिलेंडर ले रहे थे, आज 1400 का ले रहे हैं, गरीबी कम हुई है। हमारा डॉलर 50 से एक 900 रुपए का सिलेंडर है, अपने याददाश्त को दुरुस्त करो राजेश भाई, 922 रुपए का सिलेंडर अभी कम हो गए हैं दाम। राजेश जी अपडेट रहा करिए प्लीज, 1400 कभी भी नहीं था, कम कर यही तो बातें हैं। नवीन जी ये रेट बढ़े किसकी सरकार में थे? आपकी सरकार में ही बढ़े, आपकी सरकार में ही कम हो गए, उसके बाद भी पीठ थपथपानी है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं? हाँ जी हाँ जी, आप इतने लंबे समय से डिबेट मेरी देख रहे होंगे, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं पे इंटरव्यून भी ना करूँ और अपनी बात भी पूरी कर पाऊँ। कह रहा हूँ कि ठीक है हम 900 का कर देते हैं, लेकिन 400 का सिलेंडर 900 में खरीदना कहाँ की समझदारी है 9 साल के अंदर? क्या हमारा आज का व्यक्ति जो एक समय मनरेगा में 210 रुपए 220 रुपए ले रहा है, क्या उसकी हैसियत है 900 रुपए का सिलेंडर खरीदने की? आप बताइए, आज जो हम लोगों को बीपीएल कार्ड या अंत्योदय कार्ड के तहत राशन फ्री दे रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ गई अगर हमारे लोग गरीबी रेखा के ऊपर है, उन्हें हम फ्री में राशन बांट रहे हैं 20 किलो 25 किलो, किसको दे रहे हो आप, किस व्यक्ति को दे रहे हो? हाँ आमदनी जरूर बीजेपी की बहुत गरीबी रेखा से निकले थे, उसके सारे गरीबों को इन्होंने बीजेपी पार्टी में झंडा फहराने का काम दे दिया, वो बेचारे जरूर गरीबी रेखा से बाहर निकले होंगे। दूसरा देहरादून में बैठे इनके मेयर, मैं उन मेयर को देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूं, 5 साल पहले उनकी जो उन्होंने एफिडेविट दायर किया उसमें उनकी क्या रिसोर्सेस थे, क्या उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज थी, और आज 5 साल के बाद जो एसेट्स और लाइबिलिटीज उनकी आरटीआई में निकली उसके सामने चौंकाने वाली है। तो ये सारी चीजें सिद्ध करती है कि बीजेपी कमाई के उसने बहुत अच्छे साधन बनाए, और उन्होंने जो ये सर्वे कराया सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक ही करवाया, उन्होंने अन्य जो आप लोग हैं उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं उनका सर्वे करना वो भूल गए। तो उनकी जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी सरकार के लोगों तक की रही है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है पीसी थपलियाल जी, जी देखिए मैडम आपको थोड़े दिन पहले की याद हो, इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान के मैं सबसे बढ़िया इम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा इम्प्लॉयमेंट उत्तराखंड ने दिया है, तो उस समय मैं इनकी पोल खोल दी थी मैंने, और उसके बाद ये साइलेंट हो गए थे क्योंकि इन्होंने उस समय प्रोविडेंट फंड को आधार बनाया था पीएफ को, और पीएफ को आधार क्योंकि पीएफ का कलेक्शन यहां से बहुत ज्यादा था और ये कंफ्यूज हो गए थे कि उसको लेकर इन्होंने बोला कि उत्तराखंड के युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया नंबर वन, और वो सब्जेक्ट अभी है नहीं इसलिए मैं उस पर डिटेल में नहीं बोलूंगा। इस समय जो हेल्थ के से सर्वे से ये बता रहे हैं इसके पीछे, क्योंकि एक चीज मैंने बहुत नोटिस की है भारतीय जनता पार्टी की कि आपने देखा था कि पहले बहुत लोगों के पास गैस सिलेंडर हुआ करते थे, लेकिन जब इन्होंने स्ट्रिक्टनेस दिखाई तो लगभग इतने लोग फॉल्स निकले जो मतलब लाखों की संख्या में पूरे देश में, मतलब जिनके ऐसे ही जो बीपीएल कार्ड हैं और एपीएल कार्ड पहाड़ में लगभग सब लोगों ने बनाए हुए थे, यानी फौजियों ने भी बनाए हुए थे। एक दूसरी चीज है कि जो हमारा मेडिकल है, हमारे मैक्सिमम लोग केंद्रीय कर्मचारी जो उत्तराखंड में है उनकी गिनती में आते हैं, वो केंद्रीय कर्मचारी चाहे फौजी हो चाहे वो सर्वे ऑफ इंडिया का इंप्लाई हो फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट का, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरी हमारा मुख्य पेशा है। अब ये लोग जितने हैं ये मेडिकल लेते हैं अपनी योजनाओं से, हम मिलिट्री हॉस्पिटल से लेते हैं फौजी लोग, ECHS हमारा मीडिया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट होता है, इसी तरह से जो सेंट्रल कर्मचारी है, तो इनके जो है इतनी साजिश के तहत ये आधार लेते हैं कि वास्तव में देश तुल्य जनता को, अदरवाइज जनता तो चौराहे पे खड़ी है और बोल रही थी इन्होंने जब तक मतलब इतना वो बना दिया है
देखिए आज वो हेल्थ सर्वे से तो ये बड़ा दुखद स्थिति है। ये अपने काम में ईमानदार नहीं है, ईमानदार होंगे भी कैसे जिनका सर्वोच्च कमांडर हमेशा चुनाव की तैयारी करता है, कभी कुर्सी में बैठा ही नहीं है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे। इनका फाइनेंस मिनिस्टर की स्थिति देख लो, इनके मतलब स्थिति हमारी बहुत बिकट है। वो केवल अडानी और अंबानी के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में भी दिख रहे हैं, और वो पैसा यहाँ पे आएगा जिस तरह से अभी बोल रहे हैं कि साहब वो वहां गए हुए हैं, साउथ अरब में गए हुए हैं और दुबई में गए हुए हैं, लंदन गए हैं वो लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो अभी मैंने इनको कहा था कि हमारे केवल देहरादून में इतने अरबपति खरबपति हैं कि वे आराम से वेलनेस सेंटर खोल सकते थे। रामसर नौटियाल का तो कैंपटी में अपना रोप वे है, वो तो पूरे उत्तराखंड में रोप वे लगा सकता था, लेकिन नहीं, उससे नहीं, अडानी से लग रही है। तो ये चिंता है हमें, इन चिंताओं के तहत अगर ये बोलते हैं कि हमारी स्थिति बहुत बेटर हो रही है और नीति आयोग हेल्थ सर्वे से, हेल्थ ये पाप किया है इन्होंने, हेल्थ सर्वे, ठीक है, सर्वे कभी भी वो एक फीता हो ही नहीं सकता, ठीक है, गलत है वो, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी फौजी तमाम उस हेल्थ सर्वे के अंडर में नहीं आते, हमारा सिस्टम नहीं। नवीन जी, इस पर तो जवाब चाहिए कि भाई सेंट्रल के जो कर्मचारी हैं उनकी उनकी गिनती भी है और इसलिए इस तरीके का ये आंकड़ा आया है। और अभी अगर आपने हमारी रिपोर्ट ध्यान से देखी हो तो हमारे संवाददाताओं ने आम जनता से भी इस पर बातचीत की है और आम जनता ने अभी भी आपकी महंगाई पर सवाल खड़े किए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कुछ खास अच्छा रिएक्शन नहीं दिया है, उन्होंने कहा है कि सरकार हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रही है, हम बस इतना जानते हैं, अब नीति आयोग की रिपोर्ट कुछ भी कहे उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। तो उस तरीके के स्टेटमेंट्स भी आए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नीति आयोग की रिपोर्ट लेकर भी जाएंगे तो भी जनता ये मानने को तैयार नहीं है? देखिए आप सही बोल रहे हैं यश जी, जनता को समझाने का प्रयास जिस तरीके से होता है, मैं उससे पहले थपलियाल जी की एक दो बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये सरकार आने से पहले बीपीएल हर आदमी ने बनवाया था, लोगों ने ज्यादा सिलेंडर रखे थे, तो यही से फर्क स्पष्ट होता है कि हमने जो असली पात्र थे उनको वो कार्ड दिया, जो जहां सिलेंडर पहुंचाने थे वहां तक सिलेंडर पहुंचाए, उन लोगों को गरीबों और वंचितों का ध्यान रखकर उनकी तरफ सरकार ने देखना शुरू किया और आज स्थिति यह है कि सब लोगों को फैसिलिटी मिल रही है। तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, इसको अगर वो दूसरी तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार की तारीफ की, इसके लिए उसको धन्यवाद करते हैं। अब बात जनता के रिएक्शन की है, हो सकता है क्योंकि उत्तराखंड की अगर जनता 1,25,00,000 है तो 3 लोगों का रिएक्शन लेके उस स्थिति को नहीं जाना जा सकता जो असली स्थिति है। और वास्तव में बेरोजगारी भी यहाँ पर समस्या रही, मैं उसको नकार नहीं क्या सकता। लगता है और क्या लगता है हम सरकार विरोधी नीतियों को यहाँ प्रमोट करते हैं? हम तो न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं और इस न्यूट्रल में आप 3 लोगों की बात नहीं की जा रही है। हम कह रहे हैं हम 10 लोगों में 4 लोगों का रिएक्शन या 5 लोगों का रिएक्शन आपके खिलाफ है ना। आप जब सर्वे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, आपको क्या लगता है आपका ये सर्वे है तो क्या हर व्यक्ति का वो जो भी कार्ड है वो देखा गया होगा? सैंपल का बड़ा महत्व होता है, मैं आपके उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि बेरोजगारी एक समस्या उत्तराखंड की है लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, सरकार कांग्रेस की भी आई, भारतीय जनता पार्टी उस समस्या को दूर करने का आज प्रयास कर रही है, तब कांग्रेस को परेशानी हो रही है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी कभी लंदन कभी दुबई का दौरा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर पैसा आए, इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहाँ पर उद्योग बनेंगे, उद्योग लगेंगे तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनको अब जीवन यापन का साधन मिलेगा। अगर ये प्रयास सरकार कर रही है तो उसमें गलती कहाँ है, मैं वो पूछना चाहता हूँ विपक्ष से। आशीष नौटियाल जी, आपके किए गए पाप हैं जिनको पुण्य में परिवर्तित करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पाप तो किए ही, जो हम लोगों ने पढ़ा लिखा के प्रवक्ता बना दिया इन लोगों को, ये तो पाप ही है। फिर वही बात, मतलब आज तबियत वास्तव में खराब है नौटियाल जी आपकी, तबियत वास्तव में खराब है, स्कूलों में आपने पढ़ाई करी, आप आराम करके ही थे मुझे लगता है। आयुष्मान कार्ड बनाया आपने? पढ़े आप शिशु मंदिर में तो नहीं पढ़े होंगे, आप जहाँ भी पढ़े होंगे, लेकिन ये जो भी है दूसरा, मैं कई जगह पढ़ा। आज किसी को अमीर होना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि आप बीमार हो जाओ,
आप जैसे ही बीमार होंगे आपका पैसा मिलेगा और आप अमीर हो जाएंगे, तो अमीर होने का ये भी बहुत अच्छा तरीका आप लोगों के पास लगता है मुझे। दूसरा, आपने गैस की सब्सिडी की बात करी, एक समय था मैंने भी कभी गैस की सब्सिडी ली नहीं, जब हम भी पहले भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करते थे, और उस समय हमें लगा कि मोदी जी आए तो पता नहीं क्या हमारे देश में होने वाला है। मैं सच बताऊं आपको, मैंने भी वोट दिया है मोदी जब शुरू फर्स्ट टाइम जब बने थे, और हमें लगा कि वाकई देश के अंदर ऐसा परिवर्तन आ जाएगा, इस देश के अंदर ऐसा होगा कि मोदी जी का शकल भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं, भले उतना मजा नहीं आता जितना पहले आता था, जब आए थे तो ऐसी बातें बोलते थे, ये लगा ये अवतार हो गया हमारे देश के अंदर कि भगवान अवतार लेके आ गए और इतना कुछ करने वाले। नड्डा जी आपकी इतनी आस्था मोदी जी में है, मैं तो हैरान हूँ, खुद मैं कह जितनी आस्था आपकी है शायद इतनी मेरी नहीं होगी, इतनी आस्था आप रख रहे हैं तो आप समझ रहे चमत्कार को, समझ रहे हैं आप इस चमत्कार को, समझ रहे हैं अवतार जो आस्था रख रहे हैं मोदी जी में, वो बहुत बड़ी आस्था है, इस आस्था को भरोसा रखें, आज इसी का परिणाम है कि पूरी पूरा विश्व मोदी जी के पीछे खड़ा है, आज पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे खड़ा है, और कुछ लोग चंद लोग कांग्रेस के कहें या दूसरे इंडिया अलायंस के लोग मोदी जी के पीछे पड़े, उससे कुछ नहीं होगा, देश की जनता मोदी जी के साथ है। मुझे बोलने तो नहीं, जहां आप बोलेंगे छंद आएगा, मैं बोलूंगा, मैं प्रवक्ता हूं अपनी पार्टी का, मुझे अपनी बात रखनी पड़ेगी क्योंकि मैं अकेला एकमात्र यहां पर आदमी हूं जिसको तीन लोग घेर रहे हैं तीनों तरफ से, तो जहां से होगा मैं उसके जवाब किसी वक्त दूंगा, आदमी गलत करेगा गलत का जब समय आएगा मैं जवाब अपने आप दूंगा, आपकी पार्टी गलत कर रही है, आप उसका साथ दे रहे हैं, हमें घेरना पड़ेगा आपको, कोई गलत नहीं, पार्टी थी आपकी वो पार्टी थी जिसने कहा गैस की सब्सिडी छोड़ दो, गरीबों की भलाई करनी तो मिलेगा, और आप गरीबों की अगर गरीबों का भला हो गया तो इसमें कहां बुराई है बताइए ना, बंद कर दी। थपलियाल जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड आशीष जी जरा थपलियाल जी का 10 सेकंड का वक्तव्य सुन लेती हूँ, वापस आती हूँ, थपलियाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करें, कहां बुराई नजर आ रही आपको, अनम्यूट कीजिएगा थपलियाल जी, वो भारतीय जनता पार्टी है, गरीबों के उत्थान में कहां बुराई नजर आ रही, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, बता तो रहे हैं आप सुनते हैं, हिम्मत तो रखो नवीन भाई, आपने बोल दिया सुनो तो सही, हमें गरीब दिखते हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब नहीं दिख रहे, हमें धरातल पे लोग दिख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे भूख लग रही है, आप कह रहे हैं मैंने कागज में लिखा हुआ, आप तुम्हें भूख ही नहीं लग रही, कैसे मालूम आपकी बात को भूख लग रही है, तो मुझे लग रही है ना, गरीब मुझे दिख रहा है, आशीष जी आशीष जी मेरा सवाल ये है, ये गरीबी का मापदंड तय कैसे किया जाता है, कौन व्यक्ति गरीब है कौन व्यक्ति अमीर है? मैडम जो सवाल प्रसादी जी ने किया था उसका अभी जवाब विपक्ष नहीं दे पाया है, उनका सवाल था कि मुख्यमंत्री अगर बाहर गए हैं लाने के लिए उद्योग तो क्या खराब किया, मतलब अभी उनका जवाब था, अभी तो विपक्ष में ही है थोड़ा बहुत, हाँ तो उनको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्रसाली जी आम आदमी पार्टी के एक ऐसे इंटेलेक्चुअल और विजनरी नेता रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ, उनके सवाल वो पहली बार लग रहा है कि कोई सवाल कर रहा है, कोई सवाल का जवाब देना चाहता है, मेरा कहने का मतलब है कि प्रसाली जी को मालूम होना चाहिए कि सूचना प्रौद्योगिकी के समय में क्या ये अच्छा लग रहा है कि मुख्यमंत्री दुबई जा रहा है लंदन जा रहा है और मेरा प्रधानमंत्री बोल रहा है कि मैं अंग्रेजों के दिए हुए इंडिया नाम को मैं रिजेक्ट करता हूं, मैं और दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी का आधारभूत मुस्लिम विरोध नफरत का जो राजनीति है और वहां वो अरब कंट्री के शेखों को इस देवभूमि में लाएंगे तो मुझे दुख हो रहा है, और एनआरआई बोलेंगे, ये एनआरआई बोलेंगे कि जी हम एनआरआई को ला रहे हैं, उन एनआरआई को कि जो उनके लिए काम कर रहे हैं वहां मोटी तनख्वाह ले रहे हैं वो यहाँ उद्योगपति बनेंगे इस नंगे भूखे पहाड़ों में। देखिए मैं बताऊंगा मैडम, क्या तिवारी जी जो उद्योग लाए थे क्या भारतीय जनता पार्टी उनको होल्ड कर पा रही है, वो यहां से प्लान कर रहे हैं, प्रसादी जी बहुत गंभीरता से इसका आंसर देंगे कि वो उद्योग तो जा रहे हैं, एक तरफ तो नीचे खसक रहा है, दूसरी तरफ आप दुबई जैसे कंट्री में जा रहे हैं कि साहब यहाँ पे रियल इस्टेट का काम करो, वो रियल इस्टेट का काम कैसे कर सकते हैं जहां उत्तराखंड में 8 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग बनी सकती, यहां तो कोई भी पोमा जो कंपनी जिसके बारे में बात करने के लिए इंग्लैंड गए थे, पोमा कंपनी 25 साल पहले हमारे आगे पीछे घूमती थी और आज आरती उतार रहा मेरा मुख्यमंत्री, दुख होता है। गूगल है आजकल, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि बैठे बैठे 7 कमरों के अंदर अगर बिजनरी नेता हो तो विश्व के तमाम लोगों को अप्रोच कर सकता है कि आओ यहां पे इन्वेस्ट करो, लेकिन साथ में वो भी गया हुआ है धन सिंह, क्यों गए धन सिंह जी वहां, क्या जरूरत थी धन सिंह जी को जाने की, हमारा गरीब राज्य है, हमारे गरीब मुश्किल से हमारे पास
जनता का पैसे की ठीक है। नवीन भोषाले जी जवाब दीजिए फटाफट, उसके बाद राजेश जी आपके पास आते हैं। यशी जी मैं बात थपलियाल जी के बात का जवाब ये दे रहा हूँ कि थपलियाल जी ने कहा कि आईटी का जमाना है, डिजिटल इंडिया है और ये वो यहीं बैठे बैठे कर सकते। तो थपलियाल जी अभी अगर दुबई में मुख्यमंत्री जी हैं तो वो 2-3 दिन के लिए रहेंगे और इतना बड़ा जो इवेंट है, इतना बड़ा जो प्रोग्राम है वो 2 दिन में वहां जाके नहीं होता है, वो यहीं से सेट किया गया है, उन्हीं माध्यमों का इस्तेमाल करके दुनिया भर से संपर्क साधा गया है और अब जाके उनको मूर्त रूप देने के लिए, क्योंकि साइन करने वहीं जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो साइन करने गए हैं, लोगों से बातचीत करने गए हैं। तो उसके जो प्रारूप पहले तय किया गया वो डिजिटल के माध्यम से ही किया गया। फिर 8-9 तारीख को क्या होगा? 8-9 तारीख वो लोग आएंगे, वो यहाँ पर आएंगे, वो अभी हम आ गए, वो यहाँ पर आएंगे। जब एक डील होती है, आप कभी भी अगर कहीं आप भी सरकार में रहे होंगे, राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं? मौका मिला या नहीं मिला डील का? डील जब भी डील होती है, हमें कई बार मौका मिला, विदेशों में जाने का भी मौका मिला जब हम नौकरी करते थे, तो उसमें डील के लिए पहले एमओयू साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम इन चीजों पर बात तय करते हैं, उसके बाद फिर एग्रीमेंट में जाया जाता है, फिर एग्रीमेंट के बाद इम्प्लीमेंट होता है। ये 3 प्रक्रियाएं होती है और इसके लिए विभिन्न चरण आती है। अगर आप इम्प्लीमेंट पहले बोल देंगे तो ये प्रोसेस होता है, तो आप यहाँ पर भ्रमित करने का काम ना करें, विपक्ष भ्रमित कर रहा है। चलिए ठीक है, देखिए हम यहाँ पर नीति आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो होगा उस पर बाद में आगे बात करेंगे जितना भी आएगा। राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ यशी जी, जिस हिसाब से भी ये गरीबी कम दिखा रहे हैं प्रदेश के अंदर, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आज किसान अगर किसी भी वर्ग की बात करें तो हर वर्ग आज सड़कों पे है, किसान खेती के लिए सड़कों पे है, महिलाएं महंगाई की वजह से सड़कों पे है, युवा रोजगार की वजह से सड़कों पे है, प्रदेश खाली होता जा रहा है, प्रदेश के अंदर शिक्षा स्तर बिल्कुल 0 पहुंच गया है, सड़कों का खस्ता हाल है, आपदा आई है, सब आपने देखा, करीब 200-250 सड़कें हमारी बंद थी, आज उनका क्या हाल है आप देख रहे हैं, जोशीमठ सड़क रहा है। मोदी जी आए हैं यहाँ पे, उन्होंने पता नहीं हमारे यहाँ टूरिज्म को क्या बढ़ावा दिया, किस तरीके से टूरिज्म हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं था उसके माध्यम से, ये सवाल है अपने आप में। जिस तरह के तमाम सवाल, जिस तरह से किसान इस सूखे में और आपदा से जो उनकी खेती बर्बाद हुई है, बागवानों की बागवानी खराब हुई है और लंपी वायरस से जिस प्रकार से हमारे दुधारू पशु जो मर गए हैं, जो किसानों के आय का मुख्य स्रोत था, ये सारी बर्बादी देखने के बाद अगर ये कहते हैं गरीबी कम होगी तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये सारी जो चलिए इंजेक्शन लगवाए गए हैं, हाँ जी जी, जानवरों को इंजेक्शन लगवाए गए हैं, और अभी आपने पर्यटन की बात की, पर्यटन के बाद गूगल सर्च इंजन पर आदि कैलाश को कितने बार देखा गया ये आपको पता होगा, और अमिताभ बच्चन जी का ट्वीट भी अपने आप में एक बहुत अहम है और दुनिया उसको देख रही है। पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में निवेश आ रहा है, ये आगे देखना होगा, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट किसको जाएगा ये तो बात का विषय है। खैर, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर विपक्ष का जो रिएक्शन आ रहा है उससे उसके भी जवाब देना कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, नीति आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें 8 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, एक ओर जहां सरकार इस पर अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है तो वही दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो सरकार को लगातार घेरते हुए नजर आ रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।